हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट टुडे टॉपिक इस राग भीम पलासी। राग का नाम है भीम पलासी। इसका थाट है काफ़ी स्वर गाने कोमल और अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं। इसमें गाने को कोमल करा जाता है और अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं। वर्जित स्वर आरोह में रे और धा है। वर्जित स्वर आरोह में रे और धा हो गया मतलब दो स्वर वर्जित हो गए तो जाति क्या होगी? औरव संपूर्ण अवरोह पूरा है संपूर्ण है सातों स्वर लगते हैं। वादी माँ संवादी सा है। गायन समय दिन का तीसरा पहर है। इसका आरोह है नीसा गामा पा नीसा ये मंद्र नी से शुरू हो रहा है और अवरोह है सा नी धा पा मा पा गामा गा रेसा। जहाँ भी हम नी और गा का प्रयोग करेंगे वो कोमल का चिन्ह लगेगा कोमल स्वर लग रहे हैं। पकड़ है निसा मा मापा गामा गा रेसा। जहाँ गा और नी है वहाँ कोमल है और स्टार्टिंग नी से शुरू हो रही है नी मंद्र सप्तक की नी से शुरू हो रही है। विशेषता इसमें क्या है? गानी कोमल और अन्य स्वर शुद्ध। और दूसरी विशेषता इसमें सा मा और मा गा दोनों की संगति बार बार दिखाई जाती है। सा मा और गामा ये दोनों संगति बार बार गाई जाती है मतलब जब इस राग को गाया जाता है तो सामा और गामा की संगति बार बार दिखाई पड़ती है। इससे मिलता जुलता राग क्या है? बागेश्री। बागेश्री में भी गा और नी कोमल लगते हैं तो इससे मिलता जुलता राग जो है वो है बागेश्री। यह करुण प्रकृति का राग है मतलब करुणा से भरा हुआ ये राग है। ओके स्टूडेंट आप इस राग के परिचय को आप ध्यान से पढ़ेंगे। ओके